असमंजस में होंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, देखना चाहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माटी पे माटी क्यों लिख रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ा कारण, किंतु वो बताने से पूर्व तनिक मुझे पानी पे पानी तो लिखने दीजिए। क्या हुआ, जो मैंने लिखा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। माटी पर माटी लिखना कितना सरल है, उतना ही कठिन है पानी पर पानी लिखना। संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। बनाते समय माटी पर लिखने जितने सरल और निभाते समय पानी पर लिखने जितने कठिन। अब प्रश्न ये उठता है कि पानी पे लिखा कैसे जाए। इस प्रकार ये पाषाण जल की सतह से होते हुए जल में समा गए। ठीक इसी प्रकार हमें संबंधों को भी निभाना है। इस पाषाण की भांति निष्ठा से गहराई में जा, संबंध कभी नहीं बिखरेंगे। राधे राधे।